प्यारे बच्चों, कक्षा सातवीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप छठी कक्षा में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा से उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक कब बनते हैं? जब हम चर और अचर राशि को, चर और अचर राशि को एक साथ लिख देते हैं, तो हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे x जमा 2, यहाँ पर मैंने x और 2 को एक साथ लिख दिया है। यहाँ पर x एक चर राशि है और 2 एक अचर राशि है, इन दोनों को मैंने साथ साथ लिख दिया है, तो ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बन गया है। इसी प्रकार अगर मैं x घटा 2 लिखता हूँ तो भी एक बीजीय व्यंजक है। या साधारण से भाषा में हम ये कह सकते हैं कि चर और अचर मिलकर के एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं, जहाँ पर चर वो होता है जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x, y, z, l, m, ये सब क्या हैं? चर राशि हैं। अचर राशि वो होती है जिसका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। जैसे 1, 2, 5, -9 आदि, ये सब क्या है? अचर राशि है। तो अचर और अचर मिलके एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इसके बाद बच्चों, पद, पद क्या होता है? बीजीय व्यंजक बनाने के लिए जिनको जोड़ा जाता है वही क्या कहलाते हैं? पद। जैसे ऊपर हमने x जमा 2, x और 2 को जोड़ा है, यहाँ बीजीय व्यंजक को बनाने के लिए जब चर और अचर को जोड़ा जाता है तो वही हमारे पास क्या होंगे? पद होंगे। तो x जमा 2 है, इसके अंदर x और 2 ये क्या हैं? पद हैं। ये क्या है? इसके अंदर पद हैं। दो पदों को जोड़ करके हमने बीजीय व्यंजक को बनाया है। अब पद हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी व्यंजक, एक होता है द्विपदी व्यंजक, और एक हमारे पास है त्रिपद। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पदी व्यंजक वो होते हैं जो केवल एक पद से ही बने होते हैं, जिनके अंदर केवल एक पद होता है। जैसे x, 100 आदि, ये हैं एक पदी व्यंजक, इसको हम कहेंगे एक पदी। इसके बाद है द्विपद। एक व्यंजक जिसके अंदर दो पद हों वो कहलाएगा द्विपद। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x जमा y, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो पद हैं, एक x और एक y, तो ये हो जाएगा द्विपद। फिर इसके बाद त्रिपद, जिस व्यंजक के अंदर तीन पद हों कहलाएगा त्रिपद। जैसे x जमा y जमा 10, यहाँ पर हमारे पास इस व्यंजक के अंदर तीन पद हैं, एक x, एक y और एक 10, तो ये कहलाएगा त्रिपद। इसमें दो पद हैं, ये कहलाएगा द्विपद, x और y। इसके अंदर है सिर्फ एक पद x या फिर 100, तो x है तो वो भी एक पदी है, 100 रखे 100 अगर हमारे पास है तो वो भी एक पदी है, क्योंकि अकेला 100 है, एक पद है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है गुणांक। कि गुणांक क्या होता है? बच्चों नाम से ही जैसे मालूम पड़ता है, गुणांक गुणा का अंक, यानी कि जिस चर के साथ में जो एक अंक है, जो उसके साथ में गुणा है, वही कहलाएगा गुणांक। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि संख्यात्मक गुणनखंड को ही पद का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड को, जो संख्यात्मक गुणनखंड है वही क्या कहलाएगा? पद का गुणांक कहलाएगा। व्यंजक लिखता हूँ मैं यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर जो हमारे पास x है उस x का जो गुणांक होगा वो होगा 3। x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 3। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण और लेता हूँ, 10xy की 2, तो यहाँ पर xy की 2 है, उसका जो गुणांक है वो हो जाएगा 10। 10 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर xy की 2 के साथ में संख्यात्मक जो गुणनखंड है वो क्या है? 10, तो वही हो जाएगा इसका गुणांक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, x की 2 y की 2, तो यहाँ पर हमारे पास x की 2 y की 2 का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा बच्चों 1। क्यों? क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं।
एक्स की दो वाई की दो को हम लिख सकते हैं एक एक्स की दो वाई की दो। तो इसके साथ में जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो क्या है, एक। जो संख्या वाला अंक है वो क्या है, एक। तो गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समान पद, तो बच्चों समान और असमान पद के बारे में पढ़ेंगे कि समान और असमान पद क्या होते हैं। तो बच्चों जिन पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों वो कहलाएंगे समान पद, और जिन पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हों, अलग अलग हों, वो कहलाएंगे असमान पद। तो आइए इसको अच्छे समझते हैं कि समान पद क्या होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिख लेता हूँ, 2xy-3x जमा 5xy-4, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसके अंदर बच्चों देखो, जो 2xy और 5xy है ये दोनों समान पद हैं। ये दोनों क्या हैं, समान पद। क्यों, क्योंकि इनके जो बीजीय गुणनखंड हैं वो समान हैं। कैसे, 2xy हमारे पास है, इसके बीजीय गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2x और y। इसी प्रकार 5xy हमारे पास है, इसके बीजीय गुणनखंड हो जाएंगे 5x और y। अब यहाँ पर इन दोनों के बीजीय गुणनखंड समान हैं। आपने बच्चों 2, 5 को नहीं देखना है, बीजीय गुणनखंड वो होंगे जिनके अंदर आपने देखना है सिर्फ चर को, कि यहाँ पर इसका जो गुणनखंड है चर वाला वो है xy, और इसका जो गुणनखंड है वो है xy, चर के अंदर। वो दोनों क्या हैं, समान। सिर्फ चर एक समान होने चाहिए, जो चर हमारे पास गुणनखंड है वो क्या होने चाहिए, एक समान, तो वो कहलाएंगे समान पद। अब यहाँ पर इसी उदाहरण के अंदर 2xy और घटा के 3x, ये असमान पद हैं। दोनों क्या हैं, असमान पद। क्यों, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड हैं वो अलग अलग हैं। 2xy के गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 2x और y, घटा 3x के गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे घटा 3 और x। ये तो यहाँ पर बच्चों इनके जो चर गुणनखंड हैं एक्स वाई वो समान नहीं, यहाँ पर है सिर्फ x, यहाँ पर xy, यहाँ पर सिर्फ x है, y नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे, असमान पद। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 7ab-5 ab-6a, ये हमारे पास एक व्यंजक है। इसके अंदर बच्चों समान पद कौन से हो जाएंगे, समान पद इसके अंदर होंगे 7ab-5ab, और इसमें असमान पद है वो हमारे हो जाएंगे 7ab-6a या घटा 5ab-6a। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हैं, समान हैं, ए बी समान हैं, और यहाँ पर जो गुणनखंड है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर खाली ए है, यहाँ भी ए और बी है, यहाँ पर अकेला ए है। तो ये असमान पद होंगे और ये समान पद होंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप समान पद और असमान पद के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बच्चों हम एक पदी, द्विपद और त्रिपद के बारे में पढ़ चुके हैं, अब ये जान लेते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है। तो बच्चों एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। एक या एक से अधिक पदों वाला व्यंजक क्या कहलाएगा, बहुपद। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का जो परिचय था उसको कवर कर लिया है। बीजीय व्यंजक पद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, गुणांक, समान और असमान पद के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है।